एक भजन है कि रेमन चलिए गुरु के द्वारे। गुरु परमात्मा है और दादा गुरु महाराज ने कहा है कि मन के पलटते ही आत्मा के दर्शन है। गुरु का दर्शन ऐसा ही अलौकिक है। गुरु के दर्शन में रस है, जैसा आत्मा के लिए कहा है रसोवसी। गुरु के दर्शन में आनंद है, अलौकिक प्रेम है। और गुरु के दर्शन में शांति है, स्थिरता है। प्रेम मूर्ति पुस्तक में चांदजी साहब का प्रसंग है कि वो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और वो उनका मन बहुत व्यथित हो रहा था कि अब आगे क्या होगा। बहुत व्यथित हुए तो यहाँ दर्शनों को आ गए और बाहर साइकिल खड़ी की, परम पूज्य के सामने बैठे और आधे घंटे बाद उन्होंने मुझको बतलाया था कि आधे घंटे के बाद जब वो करीब निकले तो पूर्ण शांत थे। वो मन अब व्यथित नहीं था, वो सर का दर्द उनका जाता रहा और वो पूर्ण शांत। ये गुरु के दर्शन का मन स्थिर और शांत उनके दर्शनों से ही हो जाता है। और जिस पर और आगे कृपा होती है तो गुरु उसकी नजरों से प्रकृति का चश्मा हटा देते और फिर वो अपने गुरु को देखता है, तब वो उसे तीनों गुणों के परे गुरु का दर्शन होता है। तब वो देखता है कि वहां तो कुछ है ही नहीं। जहां कुछ नहीं होता वहां ईश्वर होता। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे वो मथुरा भंडारे या अन्य भंडारों में जब आप विराजते थे तो आपके जो तेज था वो ऐसा था कि जैसे खुली आंखों आत्मा के तेज का दर्शन होता था। स्थूल निगाहों से जब साधकों को वो दर्शन होता है तो सम्मुख स्थूल के वो जो आत्मा का प्रकाश था, तब पता चलता है कि ये सूर्य और है और वो सैकड़ों सूर्य का प्रकाश। और एक बार एक प्रेमी उनकी आई और उन्होंने अपने हाथ से स्वेटर बुन के लाई थी। परम पूज्य लगभग तैयार हो चुके थे, मथुरा भंडारे का अवसर था।
तो वो पीछे पड़ गई कि यही पहन के आप आज जाइए। आपने वो सफ़ेद स्वेटर धारण किया तो वहाँ की आभा थोड़ी धोला धोला प्रकाश हुआ, और जब आप वहाँ स्टेज पर विराजे तो वहाँ सबने देखा कि जैसे सैकड़ों सूर्य का प्रकाश और वो लाली उनके मुख पर, वो गुरु के दर्शन जो स्थूल होते, जहां आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं। उनकी वो अलौकिक दर्शन की व्याख्या दूसरे को करी नहीं जा सकती। भगवान कृष्ण की लीलाओं की का वर्णन भागवत ने किया, गुरु महाराज की गुणों का वर्णन परम भागवत पंडित जी महाराज ने किया। उस अवस्था और उस अलौकिक दर्शन की व्याख्या अपावन जिह्वा से नहीं की जा सकती। तभी तो सूफियों में आता है कि वो तो दर्शन वो अपने जब अपने गुरु का नाम या उनके गुणों की बात करते हैं तो वो पहले माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि ये अपावन जिह्वा ये तुच्छ ही उन गुणों को और उनकी उस अवस्था को की व्याख्या नहीं कर सकता। आत्मा की व्याख्या आत्मा में अवस्थित होके होती है, गुरु की व्याख्या गुरु परमात्मा है उनमें अवस्थित होके ही उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। वो इतने परम अलौकिक, ख्याल आता है कि कोई फरिश्ता ही आए और इस जिह्वा पर वो शब्द रख दे कि मैं अपने गुरु के गुणों मैं अपने गुरु के गुणों की व्याख्या कर सकूं और आप सबके बीच में उस दर्शन की व्याख्या कर सकूं, वो हो नहीं सकती। वो परम अलौकिक, वो धन्य हैं जिन्होंने वो दर्शन पाए। वो बहुत दुर्लभ है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम आज उसी आभा मंडल में आपके सानिध्य में बैठे हैं और आपके सम्मुख ये नैवेद्य हम रख रहे हैं। आप इसको ग्रहण करिए और हमको हमारे जो भी हम जैसे भी हैं, जैसे अभी बताया प्रिय मोहित ने कि वो कैसी भी हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि जो आप आज्ञा दे रहे हैं वो हम समझ सकें। आज्ञा तो हर एक के पास आ रही है लेकिन वो समझ नहीं रहा, वो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा। गुरु लगभग गिड़गिड़ा के कहते हैं कि तू ये कर ले, लेकिन फिर भी
वो यही समझता है कि ये तो बाबरी आ गया। 2 मिनट आंख बंद कर ये नैवेद्य उनको अर्पण करें, प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दें, हमारी नजर खोलें। 2 मिनट आंख बंद करिए। बस कर।